आयुष्मान डिजिटल भारत मिशन पूरे देश में लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर आप अपनी हेल्थ आईडी बना सकते हैं। इस पोर्टल से पूरे देश के डॉक्टर्स, क्लिनिक, हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर और नर्सेस को जोड़ा जाएगा। इससे ये फायदा होगा, जब भी आप कहीं पर चेकअप कराने जाएंगे तो आपको अपने पास अपनी मेडिकल हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी मेडिकल हिस्ट्री आपकी हेल्थ आईडी पर डिजिटली रिकॉर्ड रहेगी। और जब भी आप कहीं पर अपना चेकअप कराने जाते हैं तो आपकी मेडिकल हिस्ट्री को किसी भी हॉस्पिटल या क्लिनिक से चेक किया जा सकता है। तो गाइज, वेलकम बैक टू वन सॉल्यूशन, मैं हूं प्रिंस और आज की वीडियो में हम ऑनलाइन हेल्थ आईडी कार्ड बनाने का कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हेल्थ आईडी क्रिएट करने के लिए आपको एक ब्राउजर ओपन कर लेना है और वहां पर टाइप करना है हेल्थ आईडी। आपको यहां पर एक साइट मिल जाएगी, healthid.ndhm, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। आप यहां पर एक इम्पोर्टेंट नोट पढ़ सकते हैं, हेल्थ आईडी का नेम बदलकर अब आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कर दिया गया है। नाम बदलने से इसके पहले कामों पर कोई फर्क नहीं पड़ा है और आप अपने अकाउंट को पहले की तरह ही यूज कर सकते हैं। इसको हम क्लोज कर देंगे। हेल्थ आईडी बनाने के लिए स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर क्रिएट योर आभा पर क्लिक करेंगे। आपके सामने क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। आप यहाँ आधार या फिर ड्राइविंग लाइसेंस से अपना आईडी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप अपना हेल्थ आईडी कार्ड बिना किसी आईडी कार्ड के बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। मैं आधार से क्रिएट करने वाला हूँ तो मैं जनरेट वाया आधार पर क्लिक करूँगा। आपको यहां अपना आधार कार्ड नंबर टाइप करना है। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहां पर आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मिल जाएंगी, आप इनको रीड कर लें। आप इनको यहां पर क्लिक करके हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। यहां से इन टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे, इस वाले कैप्चा को वेरीफाई करेंगे, आई एम नॉट अ रोबोट, और सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी यहां पर टाइप करके सबमिट करेंगे। आपको यहाँ पर एक अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, जो भी आप अपने हेल्थ आईडी कार्ड से लिंक रखना चाहते हैं। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद सबमिट करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर टाइप करके सबमिट करेंगे। इसके बाद आपके सामने आपका फोटो, नेम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर दो चीजें एंटर करनी है। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको PHR एड्रेस टाइप करना है, जो भी आप अपनी हेल्थ आईडी रखना चाहते हैं। जैसे मेल आईडी और UPI आईडी बनाई जाती है, वैसे ही आप अपनी हेल्थ आईडी क्रिएट कर सकते हैं। वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और आप अपना ईमेल यहाँ पर टाइप करेंगे। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। दोनों चीज़ें एंटर करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपका हेल्थ आईडी कार्ड क्रिएट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें आपको एक हेल्थ आईडी नंबर मिलेगा और एक QR कोड दिया जाएगा। आप यहाँ नीचे डाउनलोड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी शॉप से इसको प्रिंट कराकर, लैमिनेशन कराकर अपने पास रख सकते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड में आपको कुछ ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। माय अकाउंट से आप अपनी प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं, पासवर्ड सेट कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, अपनी KYC वेरिफिकेशन दोबारा करा सकते हैं या अपनी हेल्थ आईडी को यहां से डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। सरकार की तरफ से आपको जितने भी बेनिफिट मिलेंगे वो आप यहां माय बेनिफिट्स पर क्लिक करके देख सकते हैं। आपको यहां पर डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आप बिना आईडी कार्ड के अपनी हेल्थ आईडी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहां क्रिएट योर आभा पर क्लिक करेंगे। आपको यहां पर स्क्रॉल डाउन करना है और फिर क्लिक हियर पर क्लिक करना है। आपको अपना मोबाइल नंबर यहां पर टाइप करना है। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद टर्म्स को एक्सेप्ट करना है, इस वाले कैप्चा को वेरीफाई करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, जो भी आपने यहां पर टाइप किया है वो OTP आप यहां पर टाइप करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपको यहां अपनी डिटेल्स मैन्युअली फिल करनी होंगी। आप यहां पर अपना नेम टाइप करेंगे, फिर मिडल नेम टाइप करेंगे और लास्ट नेम टाइप करेंगे। अपनी डेट ऑफ बर्थ यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे, फिर अपना जेंडर यहां से सेलेक्ट करेंगे। अपना एक PHR एड्रेस यहां पर टाइप करेंगे, जो भी आप अपनी हेल्थ आईडी रखना चाहते हैं। फिर आप एक पासवर्ड टाइप करेंगे, यहां पर पासवर्ड रीटाइप करेंगे कंफर्म करने के लिए। अपना एड्रेस यहां पर टाइप करेंगे, अपना स्टेट यहां से सेलेक्ट कर लेंगे और फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपका हेल्थ आईडी कार्ड जनरेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यह है वो हेल्थ आईडी कार्ड जो हमने बिना आधार के जनरेट किया है। आप यहां डाउनलोड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं।
इसके बाद आपको अपनी हेल्थ आईडी में अपने हेल्थ रिकॉर्ड डालने के लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, NDHM हेल्थ रिकॉर्ड्स। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसमें आप अपना PHR एड्रेस और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। यहाँ पर आप माई प्रोफाइल पर क्लिक करके अपना QR कोड, हेल्थ आईडी नंबर और PHR एड्रेस देख सकते हैं। नीचे आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएंगी। हेल्थ रिकॉर्ड ऐड करने के लिए आप लिंक रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। आपका इलाज जहाँ चल रहा है या आपने इलाज कराया है उस हॉस्पिटल की डिटेल आप यहाँ पर टाइप करेंगे। आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर आप यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, हॉस्पिटल का नेम यहाँ पर टाइप करेंगे तो आपके हेल्थ रिकॉर्ड की इन्फॉर्मेशन फैच हो जाएगी। इसके बाद अगर आपने कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो आप उसका भी रिकॉर्ड यहां पर फैच कर सकते हैं। आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर टाइप करना है और फिर फैच रिकॉर्ड पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपके कोरोना वैक्सीन का रिकॉर्ड भी यहां पर फैच हो जाएगा। तो जब भी कोई आप अपना टेस्ट कराएंगे या किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक में अपना इलाज कराएंगे तो उसके रिकॉर्ड्स भी यहां पर ऐड होते रहेंगे। आप एक ही जगह से अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री देख सकते हैं। इसके बाद अगर आपको अपनी हेल्थ आईडी डिलीट करनी है, माई अकाउंट पर क्लिक करेंगे, डीएक्टिवेट या डिलीट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से डिलीट माई हेल्थ आईडी परमानेंटली को सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको रीजन सेलेक्ट करना है क्यों आपको हेल्थ आईडी डिलीट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर OTP या पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे, अपना पासवर्ड टाइप करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपकी हेल्थ आईडी परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह से आप आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत अपनी हेल्थ आईडी क्रिएट कर सकते हैं और उसको बाद में डिलीट भी कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।